वेलकम बैक टू सेंट्रल में व्लॉग। ये बन रहे हैं आज हमारे यहाँ गोभी आलू, तो उसके लिए हमने ऑयल में प्याज फ्राई कर लिया पहले, और ये इसमें तेल है हमारा ऑयल, इसमें देसी सरसों का तेल है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं या फिर देसी घी। तो बस अब इसको फ्राई होने देते हैं जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो देखें, हमने गोभी को काट के पानी में भी धोने के लिए अच्छे से उतर दिया है, और इसी में हमारे आलू हैं नीचे, तो इनको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे जब तक कि वाटर बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो हम इनको पानी में से निकाल के अच्छे से वॉश करते हैं। तो हमारी ये प्याज हो चुकी है ब्राउन, अब इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। इनको हमने बंद कर दिया था ताकि हमारी प्याज गल पाए, और इसी में हम आप ऐड कर देंगे। दो स्पून डालना है और अच्छे से उसको भी पका लेंगे। हम देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए, तो इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ऐसे। तो देखें घर हमारा ये 2 से 3 मिनट हो चुका है, उसमें अच्छे से हमारा बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसको ऐसे ही चला के और इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये हींग ऐड करेंगे, क्योंकि गोभी थोड़ी सी वो होती है, इसलिए हींग बहुत ज़रूरी है इसमें। हींग से क्या होता है, गोभी डाइजेस्ट आसानी से हो जाती है, क्योंकि गोभी को डाइजेस्ट करने में बहुत मतलब कुछ होती है, बहुत टफ होता है, खा के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें हींग डालें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें हम हींग थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही रखेंगे, और अब हम डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ा स्पाइस का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमें इसमें गोभी के साथ हरी मिर्च भी डालनी है, तो स्पाइस आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, लेकिन लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हम इसमें सिर्फ 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, तो 1/2 टेबल स्पून और ये मसाले के डब्बे यहाँ पर कर देंगे हाथ से, ताकि ये हमारे हाथ से गिरे ना, हमारी मिर्च पड़ चुकी है, तो हम इस तरह से दबा के इसको भी बन करके रख देंगे साइड में। और ये हमारा जैसा है, और ये हमारा गोभी का, और ये देखिए हम इसको मिक्स कर देंगे हल्दी को भी इनमें, इसका कलर और मसाला टेक्सचर बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में एकदम मसालेदार फील लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्लेम को हम थोड़ा हाई कर देंगे, ताकि अब ये मसाले जो हमने डाले ऐड किए हैं वो अच्छे से ऐड मतलब पक जाए। और इसी के बीच में हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया डाल देंगे, और इसी के बीच हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट आता है ना सब्ज़ी का, वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है हरी मिर्च से ही, सब्ज़ी का क्या हर चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसको जो तीखा तीखापन होता है वो। और ये हमारे गोभी आलू में भी के आ चुके हैं, और बस हमें इससे ज़्यादा नहीं भुनना है मसाले को, वरना ही ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। तो इसमें अब हम ये गोभी आलू ऐड कर देंगे, तो दोनों चीज़ें हमें साथ में ही ऐड करनी है, क्योंकि गोभी भी देर से निकलती है और आलू भी, तो हमें जितना पका सकें हम उसका पका ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जैसे बहुत ही सब मसालेदार गोभी आलू बन के तैयार होंगे, और हम इसमें सब ऐड कर देंगे अभी। अब यहाँ हमारे गोभी आलू सब डल चुके हैं, और हमें इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 कप ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ताकि हमारा मसाला और आलू वगैरह गल जाए, इस वजह से हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो हम इसको ढक के 5 से 8 मिनट तक रखना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं बॉयल आ चुका है इसमें, लेकिन अभी तक ये गले नहीं है, आप उसमें हम देख लेंगे जब तक आलू ना गले, तब तक आपको पकाना है इसको। अभी 2 से 3 मिनट शायद और लगेंगे, 4 से 5 मिनट लग जाएँ, 2 मिनट लग जाएँ,
तो मिनिमम ये 10 मिनट्स में पक के तैयार होगा। बहुत ही मसालेदार गोभी आलू हमारे तैयार हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और दिया है और हम इसको नमक को मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर ढक के इसको 4 से 5 मिनट के लिए और रख देते हैं। तो देखें कितना मतलब मसालेदार टेक्सचर और मतलब बहुत कम मसालों के इतना अच्छा यमी गोभी आलू की रेसिपी बनके तैयार हो जाती है कि आप उंगलियां चाट के चाटते रह जाएंगे। और बस इसको आप रखते हुए देखकर 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर। ये देखें हमारे गोभी आलू बनके बहुत ही डिलीशियस से तैयार हैं। हमने इसमें धनिया की गार्निशिंग कर दी है। तो ये देखें कितने यम्मी देखने में लग रहे हैं। अब आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दें, लंच में, डिनर में, कहीं भी आप सर्व करें और मज़े लें, खाएं, दूसरों को खिलाएं। और के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहिए। देखें बहुत ही डिलीशियस हमारी